आज हम इंडिया गठबंधन के टूटते सपने, एकता की उम्मीदों पर लगातार हो रही चोट पर चर्चा करेंगे। कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अकेला चलो रे का ऐलान किया, तो आज बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच तनातनी के संकेत मिल रहे हैं। कल बिहार के मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए परिवारवाद पर सबसे बड़ा हमला कर दिया, जिसके बाद आज लालू प्रसाद यादव की बेटी ने बिना नाम लिए नीतीश पर पलटवार किया। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव भी बैठक कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि लालू यादव विधायकों की तोड़फोड़ करें इससे पहले नीतीश विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली आ रहे हैं, उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद हैं। दिलचस्प ये कि उसी प्लेन से जेडीयू के नेता केसी त्यागी भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, यानी एक ही विमान पर दोनों सवार हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अब अगर गठबंधन टूटता है तो क्या फिर से नीतीश कुमार एनडीए का दामन थामेंगे? फिलहाल ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के बीच हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। चार राज्यों में लोकसभा की 210 सीटें हैं, 210, और इन राज्यों में इंडिया गठबंधन या तो बिखर रहा है या फिर बात बन नहीं पा रही है। पश्चिम बंगाल 42 सीटें, जहां टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, दो सीटें ममता देना चाहती है, वो 10 मांग रही है कांग्रेस पार्टी। वहां वाम दल भी आज खुलकर कह रहे हैं कि आप कोई मामला बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार आइए, 40 सीटें, जहां आरजेडी जेडीयू के बीच तनातनी चल रही है। अब इन दोनों को आपने मिला लिया, हो गई 82 सीटें। अब पहुंच जाइए 80 सीटें अकेली उत्तर प्रदेश में है, 82 + 80 162 सीटें हो गई, जहां सीट बंटवारे को लेकर अभी तक सस्पेंस है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई बात नहीं बनी है। हालांकि आरएलडी को अभी से ही जयंत चौधरी को दे दिया है 7 सीटें अखिलेश यादव ने। महाराष्ट्र की 48 सीटें, अभी तक विपक्षी गठबंधन का सस्पेंस बना हुआ है। हाल ही में आपने देखा था कि संजय निरुपम, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने कह दिया था कि आखिर उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट इतनी सीटें क्यों मांग रहा है, उनके पास तो उम्मीदवार भी नहीं बचे हैं, सारे चले गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ। तो वहां भी एक लड़ाई है, यानी कुल मिलाकर 210 सीटें ऐसी हैं जहां पर तनातनी तेज हो रही है। हम आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपनी दावेदारी क्यों नहीं छोड़ी। पिछले लोकसभा चुनाव में ममता की पार्टी को 43% से ज्यादा वोट मिले थे, कांग्रेस को सिर्फ 5.7%। यूपी समाजवादी पार्टी को 18.1% वोट मिले थे। जाहिर है अखिलेश यादव ये मानते हैं कांग्रेस को 6.4 और वहीं बीएसपी को 19.4, उनसे ज्यादा एसपी से। लेकिन चूंकि मायावती नहीं मिल रही है, तो इधर न, इसीलिए कल से कहा जा रहा है न माया मिली न ममता। जाहिर है अखिलेश यादव की दावेदारी मजबूत है। बिहार आइए, जेडीयू को 22.3% वोट और आरजेडी को 15% से ज्यादा। लेकिन आपने देखा है किस तरह से, ये 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन रहता है बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इस दोस्ती को तोड़कर बीजेपी को फायदा हो सकता है। ये आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करें। मोदी तो विकास का बिगल फूंकता रहता है। हम सब की तरफ से ये राम भगवान जिनको 22 जनवरी को बीजेपी ने यूपी के बुलंदशहर से चुनावी शंखनाद 2024 के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया और घर घर में इस नारे को पहुंचाने का प्रण लिया कि ये सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। उधर राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में पहुंची है, जहां वो न्याय का संदेश दे रहे हैं। न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है, क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। राहुल गांधी उसी पश्चिम बंगाल में हैं, जहां ममता बनर्जी ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, इंडिया गठबंधन से मुंह मोड़ लिया है। ममता बनर्जी की पार्टी अधीर रंजन चौधरी को कटघरे में खड़ा कर रही है। डेरेक ओब्रायन ने कहा, बंगाल में गठबंधन के कारगर नहीं होने के पीछे 3 कारण है, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी और अधीर रंजन चौधरी। कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जिस तरह का वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के पूरे खिलाफ बयान देते हैं, जिस तरह की भाषा का वो उपयोग करते हैं एक 3 बारी के मुख्यमंत्री का, मुझे तो लगता है कि वो बीजेपी की भाषा में बात कर रहे हैं अधीर रंजन जी। उधर इंडिया गठबंधन को जिस जमीन पर मूर्त रूप दिया गया, वहां महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
नीतीश बाबू के बारे में कई तरह के कयास लग रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव की बेटी ने सुबह ही शायराना अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। उन्होंने आगे लिखा, खींच जिताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही खो। लालू प्रसाद यादव की बेटी की तीसरे पोस्ट में लिखा गया, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने की करते रहे हैं बदतमीजी। नीतीश का नाम लिए बिना लालू प्रसाद यादव की बेटी की तरफ से गंभीर निशाने की जड़ में नीतीश कुमार का परिवारवाद पर किया गया वार है, जो उन्होंने बीते दिन किया था। सुनिए, आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए, और एक ही बात जान लीजिए कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। लालू की बेटी के ट्वीट के बाद बवाल बढ़ गया। समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और बाद में हमारे नेता चौधरी चरण सिंह, वो परिवार की राजनीति में परवरिश के खिलाफ थे। डॉक्टर लोहिया को तो जवाहरलाल नेहरू जी से लड़ना पड़ा और बाद में इंदिरा जी से लड़ना पड़ा। जनता तय करती है कि प्रतिनिधि क्षेत्र का कौन होगा, कोई पिता तय नहीं कर सकता है कि मेरा पुत्र क्या होगा। विवाद बढ़ा तो लालू की बेटी ने अपने तीनों ट्वीट हटा दिए। दो तस्वीरों को एक साथ देखिए, एक में वो पोस्ट है जिसमें लालू की बेटी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, दूसरी तरफ वो पोस्ट हटाए जाने का स्क्रीनशॉट है। तमाम सियासी हो हंगामे के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड में होने वाला दौरा रद्द कर दिया है। 3 फरवरी को झारखंड के रामगढ़ में होने वाली रैली रद्द हो गई है। गौरतलब है कि 4 फरवरी को बिहार के बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। उससे पहले नीतीश ने 3 फरवरी को झारखंड की रैली रद्द करके क्या संदेश दिया है? नीतीश कुमार जी का ये राजनीतिक कैरेक्टर रहा है, नीतीश जी जिसके साथ होते हैं उसके साथ दिखते नहीं है, जिसके साथ नहीं होते हैं उनके साथ दिखने का प्रयास करते हैं। नीतीश जी को लंबे समय से आप बिहार की राजनीति में देख रहे होंगे, वो किसी के नहीं है। कहीं नीतीश एनडीए में वापसी की तैयारी तो नहीं कर रहे? अगर नीतीश की एनडीए में वापसी होती है तो इंडिया गठबंधन की कमर टूट जाएगी, क्योंकि नीतीश ही वो डॉक्टर हैं जिन्होंने बड़ी कोशिश करके विपक्ष में एकता वाला मरहम लगाया था। आज तक ब्यूरो।